उड़ी 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 पड़िया उड़ुची अंतरराष्ट्रीय गुड़ी देखापी पिला मान भिड़ बढ़ुची और पिला कर्मशाला माध्यम से शिखा जाए प्रकृत में गुड़ी केमती या गुड़ी केमती उड़े आम साधारण भाव देखु कागज गुड़ी देखी जरी गुड़ी कि देखु कि भिन्न ढंग गुड़ी जो गुड़ी सब सीबीच मान पाखे उड़ी थाए रिवर फ्रंट एरिया जो उड़ी थाए बर्तमान कटक बालजात्रा देखा मिली बर्तमान दृश्य देखे आपको यदि देखी पार्थे ये इंटरनेशनल काइटिस्ट जी अच्छा राजेश नायर से केरल रूम जहाँकि स्कूल पिला किसी कर्मशाला करते कर्मशाला माध्यम से पिला शिखाई किपर भाव में गुड़ी तैयारी करेंगे गुड़ी को उड़े और सहित गुड़ी दृश्य जो देखिए आपने किपर भाव सुंदर ढंग से गुड़ी सब को बर्तमान ये नई पाखे कटक महानदी जो गड़गड़िया घाट जो बालजात्रा होटरनेशनाल गुड़ी बा अंतरराष्ट्रीय गुड़ी बर्तमान किप भाव में उड़ा जाऊँच आप देखु कि सुंदर भाव में गुड़ी सब या सबू गुड़ी एटी हाथ या गुड़ी रही जहाँकि राजेश नायर कहीं टीम लगी समस्ते गुड़ी तैयारी करके महानदी जो सुसु हो जो पवन बोच से पवन में ये गुड़ को बर्तमान से उड़ाऊँच आम सीधा थोड़क जी आलोचना अंतरराष्ट्रीय काइटिस्ट अच्छा राजेश नायर सहित आलोचना करवा सर वेलकम अर्गस न्यूज सर जो है इंटरनेशनल काइटिस्ट जो आप तो मतलब जो सब दिख रहे हैं हमको यहाँ पर काइट सब जो दिख रहे हैं ये सर मतलब कैसे आपके मतलब दिमाग में आया और इसको डेवलप करने के लिए आप कब से शुरू किए हैं ये काम सी काइटलाइफ फाउंडेशन पर से करीब 20 साल के एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और मैं खुद पतंग उड़ा रहा हूँ बचपन से आप कौन सी क्लास में चौथे क्लास से मैंने शुरू किया था तब तो ये फेस्टिवल कुछ नहीं था देन धीरे धीरे थोड़ा और आशा बढ़ गया लाइक क्या क्या और बना सकते हैं तो आजकल जब से ये नॉलेज हुआ उसके लिए हमने एक मटेरियल ढूंढा क्योंकि वो सस्टेन होना चाहिए पेपर में करेगा तो फट जाएगा सो ऐसे करके रिपस्टॉप नायलन आया देन नायलॉन से नायलॉन ये सब लेके हम यूज खरीद बनाने ये सब जितना भी आप दिख रहे हैं ना सारा नायलॉन रिपस्टॉप नायलॉन वगैरह है ये थोड़ा कॉस्टली है ये इसलिए व्हाट हैपेंस हम आराम से बैठ के उसको बना के महफूज रखते हैं और जहां जहां भी हमको बुलावा आता है जाता है काइट वर्कशॉप मेरा एक और पेशा है जो मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं और उस तरीके से बच्चे और भी नए नए तरीके इनको मालूम हो जाते हैं और जिस तरीके से वो बनाते जैसे आप खुद आपके सामने टेस्टिमोनी है दे आर वेरी हैप्पी एंड वंस दे आर हैप्पी वी आर ऑल्सो हैप्पी एंड काइट एक ऐसी चीज है डिमिनिशिंग आर्ट था बट 50 ईयर्स अबव अगर आप देखें इंडिया की इस तरफ स्टोरी बहुत इंटरेस्ट आ गया काइट में बिकॉज काइट में काइट स्पोर्ट है काइट आर्ट है काइट आर्ट जल्दी बना सकते हैं बट काइट स्पोर्ट आपको सीखना पड़ेगा जैसे आप ड्राइविंग सीखते हैं उसी हिसाब से आई एम ऑल्सो हैप्पी टू से दैट काइट स्पोर्ट ओलंपिक में भी शामिल होने वाला है इस साल उन्होंने एक्सेप्ट किया तो आगे इंडिया में भी टीम बनेगा हमारा कोशिश वो भी है ताकि इंडिया से भी रिप्रेजेंट करके कोई जाए वो सिंक्रोनाइज काइटिंग कहते हैं स्पोर्ट्स काइटिंग कहते हैं जो एक्रोबैटिक काइटिंग्स होते हैं ग्रुप में है सिंगल में है एक बंदा तीन काइट उड़ाने वाला है एक बंदा चार काइट उड़ाने वाला है और एक ही काइट के जैसे 20 काइट 20 लोग एक ही ड्रिल में उड़ाते हैं ये सब है स्पोर्टिंग में और इसके स्पोर्टिंग एसोसिएशन है लंडन बेस्ड हम उनके साथ जुड़े हुए हैं सो वी आर प्लानिंग टू होस्ट सम प्रोग्राम लाइक दैट वेरी सून एंड प्लस काइट वर्कशॉप काफी काइट वर्कशॉप करे हुए हैं काइटिंग एक पैशन है और पैशन ही अपने को आगे लाइफ में देते हैं और बढ़ाते हैं दैट इज काइट लाइफ फाउंडेशन आप लोग एक फेस्टिवल मतलब जाते हैं कुछ मेला होता है फिर फेस्टिवल होता है फिर गुजरात में कैपिटल काइट कैपिटल कह सकते हैं गुजरात अहमदाबाद प्लस केरला में है हमने शुरू किया है कर्नाटका में है महाराष्ट्र में है दिल्ली में है बट इसके बाद बाहर इंडिया भलक देशों में भी है 152 कंट्रीज काइट फेस्टिवल हो रहे हैं ऑलमोस्ट 17-20 कंट्रीज तो मैं जा चुका हूँ तो काइटिंग सब जगह कभी हमने ओरिया सोचा नहीं 2019 में एग्जैक्टली हम लोग बात कर रहे थे और अभी जाके कोविड के बाद आके ये अभी सफल हुआ है आगे भी आएंगे देखेंगे उड़ीसा में हम जो इतना पतंग यहाँ पे उड़ाते हैं सबका क्या वैरायटी नाम होता है यहाँ हम ढबा गुड़ी बोलते हैं चेन गुड़ी बोलते हैं अच्छा तो एक आपको जो इंटरनेशनल जो पतंग सब उसका सब क्या क्या सब नाम सब ये है ग्रीन डॉल्फिन जिंदगी में कभी किसी ने भी ग्रीन डॉल्फिन तो देखा नहीं है अपने बना के डाल दिया ये है स्क्विड इसका जेली फिश ये है रोकाकू ये जापानीज मॉडल काइट है
और ये है पॉइंटर, जो आप दूसरे काइट देखे थे वो थियम है। खास करके काइटलाइफ फाउंडेशन हमसे ये कोशिश करते हैं इंडिया के जितना भी जो कल्चर है, जैसे तेयम हो गया, कल्चरल आर्ट भरतनाट्यम हो गया या मंदिर हो गया, अभी हम हमारे दिमाग में जगन्नाथ पुरी का एक किट बनाने का सोच रहा है इस तरीके से इन्फ्लेटेबल वाला। सो आगे बार अगले आएंगे तो तब तक बन जाएगा। तो जैसे हमारा नाम है उनका उसका भी नाम है। एंड काइट को हम टू बी वेरी ऑनेस्ट वो डिविनिटी मानते हैं, वी डोंट टच इट बाय आवर फीट, यू नो। एंड वी ऑल्सो डू मिनी एक्टिविटीज। अगर हवा नहीं है, हवा के बिना भी जाने वाला पतंग है। कल हवा नहीं था, क्या किया हमने, बाइक में पकड़ के ऐसे पूरा घुमाया। हमने कोशिश किया बोट में भी करने के लिए, वो थोड़ा मुश्किल था, बट हम आज कोशिश करेंगे। तो ऐसे हवा जैसे बरा दिया जाता है तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। और लोगों का मनोरंजन है, कलर है। आप देखो खुद स्काई में कुछ नहीं है, ब्लू स्काई में अलग अलग कलर भेजेगा, इट्स लाइक ए पेंटिंग द स्काई। सो इस तरीके से लोग आते हैं। एंड वंस यूनिवर्सल फैसिनेशन है, सबको पसंद है यार, भाईचारा बढ़ता है, दोस्ती बढ़ता है, कुछ ना कुछ बातें करने के लिए आपको एंगेजमेंट का टाइम मिलता है। ये सब चीजें हैं, खाना पीना खाना हो, बीच में पतंग उड़ाओ, वही है कटक का माहौल। क्योंकि कटक में ये वालियात्रा जो इंटरनेशनल फेस्टिवल हम इसको कहते हैं, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा फेयर मेला इसको हम कहते हैं, तो ये माहौल कैसा लगा आपको यहाँ? माहौल बहुत बढ़िया। मैं एक्चुअली काफी साल मैं पत्रकार रह चुका हूँ, मैं कब्जा का गया हूँ, बट बाली यात्रा या बाली यात्रा के बारे में मैं जानता हूँ पहले से, बिकॉज वी डू गो टू फेस्टिवल लाइक इन बाली, आई मीन इंडोनेशिया वगैरह, हर देश में हम जाते हैं तो उसके बारे में मालूम है। बट उड़ीसा में एक ऐसी चीज है जो हम चाहते हैं इंटरनेशनल काइट में भी बने, तो एक अच्छा जगह इधर नदी किनारे या ग्राउंड हो, बड़े से ग्राउंड चाहिए। तीन चार लोग जैसे आ गया तो उनके लिए ठीक है, बट बड़ा फेस्टिवल के लिए बड़ा ग्राउंड चाहिए। और बाली यात्रा एक ऐसे है एक्सचेंज प्रोग्राम है, हम सोच रहे दिमाग में कुछ चल रहा है, अगले साल अगर हो जाए उस तरीके से हम ले आऊंगा पतंग। ধন্যবাদ আমার সাথে অধিক আলোচনা করছিলেন ইন্টারন্যাশনাল কাইটিস্ট রাজেশ নাইয়ার, এবং যাকে সে আমার সাথে আলোচনা করে কহিলেন যে গুড়ি যেতবে তৈরি করতে সে আন্তর্জাতিক স্তরের গুড়ি তৈরি করতে ভাইচারা মধ্যে তৈরি করতে গুড়ি উড়াটা এবং তা সহিত বিভিন্ন রঙ বিরঙ্গর গুড়ি যাকে আপনার মানুষ পাখে সে তাকে উড়া যাই তা সহিত নদী মানুষ যা রিভর ফ্রন্ট আমি কুচু সেটি মধ্যে তাকে উড়া যাই এবং সেয়া সহ সে পিলা কর্মশালা মাধ্যমে প্রশিক্ষণ মধ্যে করতে কিপর ভাবে গুড়ি তৈরি হব গুড়ি উড়ি এবং আগামী সময়ের অলিম্পিক মধ্যে এই গুড়ি স্পোর্টস বা গুড়ি ক্রীড়া মধ্যে যাবার যা কি যোজনা মধ্যে রয়েছে এবং এর সহ যে পিলা বর্তমানে এই শিক্ষা মধ্যে দিয়ে এবং খাস করে কটক বালযাত্রায় সে আসছেন, কটক বালযাত্রায় বর্তমান পিলা কর্মশালা মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করছেন, তো দৃশ্য আউ মধ্যে কিছু দেখাইবি কিনা না দৃশ্য যা কি রয়েছে আখি দৃশ্য দৃশ্য রয়েছে আখি দৃশ্য এই গুড়ি সব রয়েছে যা কি আন্তরাষ্ট্রীয় স্তরের গুড়ি সব রয়েছে এবং এখন যেহেতু উড়াইবা তাঁর টিম পুরা পুরো লাগি রয়েছেন পিলা মানুষ কর্মশালা মাধ্যমে প্রশিক্ষণ মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এই যে মহানদী কূলের যেপর ভাবে সুসু হয়ে পবন বহুছে সে পবনরে এই রঙ বিরঙ্গ গুড়ি মধ্যে রয়েছে তার বিভিন্ন না মধ্যে রয়েছে যা কি রাজেশ নাইয়ার মধ্যে কৌলে এবং কটকর যে মাহলক মধ্যে সে দেখি গোটে গোটে খুশি ব্যক্ত মধ্যে করছেন এবং গুড়ি কু নেই সে বর্তমান পিলা মানুষ আহরি প্রশিক্ষণ দেবার মধ্যে আগ্রহী অনেক এবং আগামী সময় যদি আর বর্ষ বালিযাত্রা পুণি থর হুয়ে তাহলে সে প্রভু জগন্নাথঙ্কর মধ্যে এক গুড়ি মধ্যে তৈরি করবে তাকে মধ্যে সে উড়াইবে এবং এর সহ ওড়িশা এবং ওড়িশার পিলা মানুষ আহরি সে প্রশিক্ষণ দেওয়া মধ্যে আগ্রহী অনেক। কটকর ভিডিও জর্নালিস্ট গৌতম মহান্তি ইমরান খান অর্গস নিউজ।